हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। ना वो स्किन केयर है, ना वो मेकअप है, इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्यूटी और फैशन इवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ कुकिंग रेसिपी। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी एंड ब्रेकफास्ट में आज मेरा मूड है पोहा खाने का, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ व्हाट इज माई स्टाइल काइंड ऑफ पोहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो इनटू द किचन। ऑल राइट गाइज, सो आई एम गोना स्टार्ट विद टेलिंग यू द इंग्रीडियंट्स जो आपको चाहिएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक कढ़ाई, जैसा आपका मूड हो उस टाइप का कढ़ाई आप ले लीजिए। मैंने ये वाला कढ़ाई लिया, एल्यूमिनियम का है ये। नेक्स्ट आपको चाहिए पोहा ऑब्वियसली, उसके बाद आपको चाहिए घी जिसमें आप थोड़ा सा उसको बनाएंगे। फिर आपको चाहिए पीनट्स, ये जो मैंने लिए हैं दीज आर रॉ पीनट्स, तो पहले मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी घी में, देन आई विल डू। फिर आपको चाहिए चॉप्ड अनियंस, राई और मस्टर्ड, फिर नमक एंड लिटिल बिट ऑफ हल्दी एंड लाल मिर्च, या आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर यू प्रिफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पोहे को थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला कर लूँगी। अच्छे से इस पे पूरा पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। ओके, तो आई एम गोना स्टार्ट विद, पहले इसको थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। एंड यस, ऑब्वियसली यू नीड अ मिक्सिंग टूल, इसको मैं कचली बोलती हूँ, हमारे यहाँ कचली बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल कॉल इट, बट एनीवे। सो मैंने इसमें अभी थोड़ा मेरा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, एनीवे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, जस्ट आई हैव एडेड 2 टेबल स्पून ऑफ घी एंड उसमें मैंने अपने रॉ पीनट्स डाल दिए हैं। और मैं इसको तब तक चला के, आपको ना इसको छोड़ना नहीं है, इसको बस चलाते चलाते इसको करना है, पकाना है और ये जले नहीं तब तक। तो बस इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट्स लगेंगे। तो यस, ओके, नाउ आई विल ऐड माय चॉप्ड अनियंस इनटू इट। इसको हमें बस थोड़ा सा मूशी करना है, बिल्कुल इसको डीप फ्राई नहीं करना है जो हम जनरली करीज के लिए करते हैं, वैसा नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। ओके गाइस, सो आर अनियंस आर डन। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूंगी सो दैट आई कैन हैव द घी। एंड नाउ अब मैं अपने इसमें थोड़ी सी राई ऐड करूंगी और इसको जब तक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा वो पॉप नहीं होगा। दिस इज डन, नाउ आई विल ऐड माय हल्दी, 1/2 टीस्पून यू कैन से। नाउ आई एम गोना ऐड लाल मिर्ची टू इट, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से कर लीजिएगा गाइस, जिसको जितना तीखा पसंद है। नाउ आई विल ऐड सम सॉल्ट, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज माइन इज रॉक सॉल्ट, इसलिए इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। एंड बस अब हम अपना पोहा ऐड कर देंगे। हियर इट इज, फ्लेम को कम रखेंगे बिकॉज नहीं तो पोहा जो है आपका कढ़ाई से चिपकने लगेगा, इसलिए बस अब इसको नाइस स्टर टू इट, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे। देन आई एम गोना ऐड माय पीनट्स टू इट एंड अगेन आई विल जस्ट गिव अ गुड स्टर। एंड इट्स डन, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग गाइस।
सी गाइस, आई एम नॉट अ शेफ और समथिंग, सो मैं नॉर्मल करती हूँ, तो जस्ट लाइक दैट आई एम जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल प्लेट. इसमें मैं बीच में थोड़ा सा एक गड्ढा बना दिया, वो क्यों किया वो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, सो पोहा इज इनकम्प्लीट विदाउट नमकीन ऑन दैट टू फरसान, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फरसान ऐड कर दूंगी, जस्ट अ लिटिल बिट. आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू प्रिफर. एंड नाउ दिस इज रेडी टू ईट, जस्ट यू नीड टू पुट अ स्पून. ओके, सो हेयर गाइज, दिस इज डन, माई स्टाइल पोहा. सो गाइज, हेयर इट इज, माई ब्रेकफास्ट इज रेडी टू ईट. मैं बस खाऊंगी एंड देन आई एम गुड टू गो. तो आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. आई नो आई एम नॉट अ शेफ, या मैं कुकिंग इतना ऐसे फ्रीक्वेंट नहीं करती हूँ, बस घर में कुकिंग करती हूँ नॉर्मली. तो जस्ट मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन, सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.